Hello students, so welcome back to our channel, and today we will start our new chapter and the last chapter of this book, Vistas, na? And the name of the last chapter is Memories of Childhood. So two stories are in this, Zitkalasa and Bama, both are very famous authors of their time. So their ऑटोबायोग्राफी आप हम बोल सकते हैं कि उनको अपनी लाइफ में कैसे जो है वो झेलना पड़ा, क्या क्या उनको देखना पड़ा, कैसे वो जो है जितकालासा और बामा ने जो है अपनी लाइफ में अपनी जो यानी कि कंडीशंस थी उस टाइम में, तो कैसे उनसे उभर कर अपना नाम जो है वो आगे बढ़ाया. ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि कैसे ऑटोबायोग्राफी है. एक अमेरिकन इंडियन वुमेन जो है वो लेट 19th century में जिसका जन्म हुआ, और दूसरी जो है वो तमिल दलित राइटर है, बामा मतलब. ठीक है, तो उनकी ही जो है ये स्टोरीज है. ठीक है, तो ये जो है आप जस्ट इंट्रो इसका जो है वो ले लेना. ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हमारा ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. तो ये स्टोरी जो है वो जितकालासा की है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. द पेज नंबर इज 94 ना. सो द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज अ बिटर कोल्ड वन. तो कहते कि ये जिनकी फर्स्ट डे जो था मेरा स्कूल का, तो कहते कि इनकी उसमें जो है जितकालासा ने जो है वो बताया है कि बहुत ही ज़्यादा इनकी ठंड थी उस दिन, बिटर कोल्ड थी. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, अभी तक भी ज़मीन पर जो है वो बर्फ जमी हुई थी. एंड द ट्रीज वर बेयर, और ट्रीज जो थे बिल्कुल खाली थे, इनकी उनको कोई भी पत्ते वगैरह नहीं थे. अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्राई ओवरहेड एंड इन टू आर सेंसिटिव ईयर्स. तो ब्रेकफास्ट के लिए जो है वो बेल जो है वो बजती है, और वो जो है उसकी इतनी तीखी सी आवाज़ थी उस मेटल की, वो जो है हम अपने हमारे सेंसिटिव कानों में जो है आवाज़ को चीरती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है. सो द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अ स्नो पीस. तो नंगे फर्श पर जो है वो शूज़ के पैरों की आवाज़, शूज़ की आवाज़ क्लैटर मतलब, कहते हुए हमारी शांति को भंग कर रही थी. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. तो कहते कि चारों तरफ जो था वो अजीब सा शोर शराबा था, अजीब सी आवाज़ें थी, और वो जो थी मर्मरिंग मतलब फुसफुसाहट थी, जो आवाज़ें आ रही थी वो अननोन टंग थी. अननोन टंग मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो किस यानी कि लैंग्वेज में जो थे वो बात कर रहे थे, और चारों तरफ जो था वो एक तरह का यानी कि पागल खाने की तरह जो थी, वो जैसे मेंटल हॉस्पिटल है कि तरह तरह की आवाज़ें जो है वो आती हैं, तो ऐसे ही इनकी आवाज़ें जो थी आई थी, और मैं उसमें ऐसी जगह पर मैं फंसी हुई थी. एंड दो माई स्पिरिट टोर इट्सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस. और कहते कि इस टाइम जो थी वो मेरी आत्मा जो थी वो मेरी बता रही थी कि कैसे जो है मेरा फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो गया है, और फ्रीडम को पाने के लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी. अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस. और फिर एक जिस लेडी आती है जिसका पेल फेस मतलब पीला फेस था, वाइट हेयर थे, हम तक आती है. वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम. तो हम एक लाइन में जो है गर्ल्स की एक लाइन में जो है वो खड़ा किया जाता है, और हमें जो है वो फिर यानी कि डाइनिंग रूम की तरफ लेके जाया जाता है. दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंचिंग ड्रेसेस. तो ये सारे की सारी जो थी इंडियन गर्ल्स थी सारे की सारी, और जो है उन्हें हार्ड शूज में जो है और खड़ा डाले हुए थे, और क्लिंचिंग ड्रेसेस मतलब कि वो सारे के सारे जो थे टाइट कपड़े जो थे उन्होंने पहने हुए थे. इंडियन गर्ल्स यहाँ पर जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं आदिवासी लड़कियाँ थी. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर. तो जो छोटी लड़कियाँ थी उन्होंने एप्रन डाले हुए थे, और उनके बहुत
इनके छोटे बाल थे, शिंगल मतलब कि बाल ऐसे जिसमें जो है गर्दन के जो पीछे वाली साइड होती है ना वो काट दी जाती है, मतलब कि जैसे अब हम बोल सकते हैं वो क्या कहते हैं उसको, शोल्डर कट्स ना, ब्लंट कट्स, तो ऐसे जो थे उसके बाल थे, मतलब कि पोनी भी नहीं कर सकते, खुले भी छोड़े हुए हैं, तो ऐसे कुछ जो था वो हेयर स्टाइल था उन छोटी लड़कियों का। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मॉकेन्स आई फेल्ट लाइक सिंकिंग इन टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। तो फिर कहते जैसे ही जो है वो मैं भी लाइन में लगी जाने लगी, तो वहाँ पर जाते हुए जो है वो मैंने जो थे वो इनकी थोड़े से ये सॉफ्ट मोकेंस, वो जैसे होते हैं ना कि जैसे घरों में हम सॉफ्ट से कपड़ों वाले डालते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से शूज़, तो कहते वो मैंने जो थे इनकी डाले हुए थे, जो कि बिल्कुल बिना आवाज़ के जो थे वो मैं चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फर्श की ओर जो है वो झुके जा रही हूँ, और क्योंकि मेरे शोल्डर्स के ऊपर जो मैंने ब्लैंकेट लिया हुआ था वो एक झटके में जो है वो हट गया, उनकी हटा दिया गया। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स। और कहती कि मैं उन जो है इंडियन गर्ल्स की तरफ, उन आदिवासी लड़कियों की तरफ जो है वो मैं देख रही थी, जिनको अपने पहनावे की कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने कैसे टाइट से कपड़े जो है वो पहने हुए हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा अनसिविलाइज्ड लड़कियां जो थी इमोडेस्टली ना, तो कहते मुझसे भी ज़्यादा जो है वो अनसिविलाइज्ड दिखाई दे रही थी। वाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज़ एंटर्ड एट ऑन अपोजिट डोर, जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो दूसरी तरफ से लड़के जो है वो मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। आई वॉच फॉर द थ्री यंग ब्रेव हु केम इन आर पार्टी, तो सामने में जो है वो तीन लड़कों को देखती हूँ जो हमारी पार्टी में मेरे साथ आए थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, तो मैं भी जो है उनको भी जो है वो काफ़ी झुका हुआ सा महसूस करती हूँ, जैसे कि मैं जो है बेचैन सी थी, तो वो भी ऐसे ही दिखाई दे रहे थे, जैसे मैं अनकम्फर्टेबल थी वो भी वैसे ही थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रॉ अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, तो एक बेल बजती है छोटी सी और सारे इनके बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टेबल से चेयर जो है वो नीचे बाहर खिसकाते हैं। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दैट दे वर टू बी सीटेड, तो मैंने सोचा कि ये बैठने के लिए हमें कोई इशारा है। आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इन टू इट फ्रॉम वन साइड, तो मैं फटाफट अपनी चेयर निकालती हूँ, मैं फटाफट बैठ जाती हूँ। बट व्हेन आई टर्न माई हेड आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट ऑफ एट आर टेबल रिमेन स्टडिंग, तो जैसे स्टैंडिंग, तो जैसे ही कहते मैं बैठकर इधर उधर अपनी गर्दन घुमाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बैठने वाली सिर्फ मैं ही थी, बाकी सारे के सारे अपनी जगह पर खड़े थे। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तो जैसे ही मुझे शर्म आती है, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करके मैं खड़े होने की कोशिश करती हूँ, तो तभी दूसरी बेल बजती है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, तो फिर सभी वापस दोबारा बैठ जाते हैं और फिर मैं भी बैठकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठती हूँ। आई हर्ड अ मैंस वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, तो मैं फिर एक आदमी के कोने से, हॉल के कोने से आवाज़ सुनती हूँ और मैं उधर देखती हूँ। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन बाकी सारे के सारे जो है अपनी प्लेट्स की तरफ देख रहे थे। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द साइट आईज ऑफ अ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, तो जैसे ही कहते मैं लंबी सी लाइन जो टेबल पे लोगों की बैठी हुई थी मैं देख रही थी, तो तभी जो है वो पीले फेस वाली लेडीज की तरफ मैं देखती हूँ। इमिडिएटली आई ड्रॉप माई आईज वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमेन, तो कहते फिर मैं फटाफट अपनी आंखें नीचे करती हूँ और मैं हैरान हो रही थी वो लेडी मुझे ऐसे क्यों देख रही है। द मैन सीज हिज मटरिंग एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, तो फिर वो जो है वो आदमी चुप होता है और तीसरी बेल बजती है। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक एंड बिगिन ईटिंग, तो सभी अपने नाइफ और फोक जो है वो उठाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं तो रोने ही वाली बन गई थी, क्योंकि जो है वो मेरे लिए से सारे जो इनकी सारी चीज़ें थी ये मुझे एक तरह से बंधन में बांध रही थी, मैं
पागल हो रही थी. बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द दैट फर्स्ट डे. लेकिन इस फार्मूले से खाना के बारे में सिविलाइज पर्सन की तरह नाइफ और स्पून से खाना, फॉक से खाना, ये सबसे हार्ड नहीं था. लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जियोडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग. तो मॉर्निंग इनकी थोड़ी इनकी 11-12 बजे के अराउंड, लेट मॉर्निंग यही होता है, तो 10-11 बजे के अराउंड मेरे फ्रेंड जियोडविन ने मुझे बताया एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल मतलब भयानक वार्निंग दी. जेडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, उसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, एंड शी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वीमेन टॉक अबाउट कटिंग आर लॉन्ग हैवियर. और वो लेडी जो है पेल फेस वाली, वो हमारे लंबे बालों को काटने की बात कर रही थी. आर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी. तो हमारी मदर ने हमें यही सिखाया था कि जो अच्छे वॉरियर्स नहीं होते हैं, जो योद्धा नहीं होते हैं, और उनको जो है लड़ाई में पकड़ लिया जाता है, एनिमी जो है उनको पकड़ते हैं, तो उनके बाल जो है वो काट देते हैं. अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न ऑफ मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स. तो हमारे लोगों में ये मानना होता है कि जो शॉर्ट हेयर्स हैं, छोटे बाल हैं, वो जो है जो शोक के लिए बनाए जाते हैं, मतलब जिनके किसी की डेथ वगैरह पर, और जो शिंगल्ड हेयर होते हैं वो डरपोकों की कायरों की पहचान होती है. वी डिस्कस्ड आर फेट सम मोमेंट्स एंड व्हेन जेडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रांग आई रिबेल्ड. तो कहते फिर हमने अपना जो है चर्चा करनी शुरू की भाग्य के बारे में, और जेडविन तभी कहती है हमें हार माननी पड़ेगी क्योंकि वो लोग स्ट्रांग हैं. तो मैंने रिबेल किया, मैंने विद्रोह पर उतर आई. नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट आई आंसर. तो कहती नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पहले स्ट्रगल करूंगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगी. आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड. तो फिर मैंने तो फिर अपना चांस देखा, जब मेरे को कोई नहीं देख रहा था मैं फटाफट वहाँ से गायब हो गई. आई क्रैप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन स्क्वीकिंग शूज. माई मोकेन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज. तो फिर मैं जो है धीरे धीरे चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जितना चुपके से मैं जा सकती थी, क्योंकि अब मेरे मोकेन्स जो थे वो शूज़ में कन्वर्ट हो चुके थे. अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड अब विदाउट नोइंग विटर आई वॉज गोइंग. तो फिर उस हॉल में से होते हुए मैं जा रही थी ऐसी जगह पर, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ जाऊँ. टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 white beds इन इट. तो साइड पर एक ओपन डोर था, वहाँ पर मैंने देखा 3 beds लगे हैं. द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन curtains. विंडोज़ जो है वो डार्क ग्रीन पर्दों से ढकी पड़ी थी, विच मेड द रूम वेरी डिम. और वहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी था. थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर. शुक्र है कि वहाँ पर कोई नहीं था. आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर. तो मैं बिल्कुल कॉर्नर में जो है दरवाजे के बिल्कुल कॉर्नर, जहाँ पर दूर का पॉइंट था दरवाजे से, वहाँ पर जाती हूँ. ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रोल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर. तो फिर अपने हाथों और घुटनों के बल, जैसे ये पिक्चर में है ना, तो कहते मैं ऐसे जाती हूँ और डार्क कॉर्नर में छुप जाती हूँ. फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड आउट शडरिंग विद फियर व्हेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप नियर बाय. तो फिर कहते उस हाइड प्लेस पर जाकर मैं छुपती हूँ, और जैसे ही किसी के पैरों की आवाज़ आती थी मैं डर जाती थी. दो इन द हॉल लाउड वॉइसेज वर कॉलिंग माई नेम. कहते हॉल में जोर जोर से मेरा नाम लिया जा रहा था. एंड आई न्यू दैट इवन जियोडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी. और कहते मुझे ये भी पता था कि जियोडविन भी मुझे ढूंढ रही है. आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर. कहते मैंने मुँह खोला ही नहीं जवाब देने के लिए. देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसिस बिकेम एक्साइटेड. और स्टेप्स जो है वो जल्दी लिए जाते हैं और वॉइसिस जो है वो और ज़्यादा तेज हो जाती हैं. द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर. और नज़दीक से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम. तो इस रूम में लेडीज और गर्ल्स एंटर करती हैं. आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोज इट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स. तो फिर मैं कहते अपनी सांस रोक लेती हूँ और दरवाजे के बिल्कुल इनकी चिपक जाती हूँ जैसे ही दरवाज़ा जो है वो खुलता है, और फिर ट्रंक्स में से झांकना वो जो है सॉरी झांकना जो है वहाँ से शुरू करते हैं. सम वन थ्रू अप द कर्टेंस एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट. तो कोई खिड़कियों से पर्दे हटाता है और फिर चारों तरफ लाइट सी हो जाती है. वट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड आई डोंट नो. कहते पता नहीं उनको क्या ख्याल आया कि वो बेड के नीचे देखने लगे.
आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली. तो कहते फिर तो मुझे याद है कि कैसे मुझे घसीट कर जो है वो लेके गए और मैं बचा रही हूँ अपने आप को किक करके. एक दूसरे को मैं बुरी तरह से स्क्रैच कर रही थी, नोच रही थी. इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर एंड टाइट फास्ट इन अ चेयर. और फिर मुझे मेरे हमलों से बचते हुए वो मुझे घसीट कर सीढ़ियों के नीचे लाए और एक चेयर के साथ बांध दिया. आई क्राइड अलाउड. फिर मुझे मैं बहुत चिल्लाई. शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक एंड हर्ड देम ग्नॉ ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स. मैं बहुत चिल्लाई, सिर हिलाया, लेकिन फिर मुझे अचानक एक ठंडा सा ब्लेड कैंची जो है वो मुझे अपनी गर्दन के पास महसूस हुई और फिर मुझे पता चला कि मेरी लंबी मोटी चोटी जो थी वो कट गई. देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट. फिर मुझे मैं हार चुकी थी. सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज. जिस दिन से मैं अपनी माँ से बिछड़ कर आई हूँ उस दिन से मुझे बहुत ही ज़्यादा इनडिग्निटीज, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी यानी कि शर्मिंदगी, ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ा. पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी. लोग मुझे घूरते हैं. आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पिपेट. मुझे ऐसे यानी कि हवा में उछाला गया, मुझे ऐसे फेंका गया जैसे कि मैं एक लकड़ी का पुतला हूँ. एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कॉवर्ड्स. तो अब मेरे लंबे बाल जो है एक डरपोक की तरह छोटे हो चुके हैं, शिंगल्ड हो चुके हैं. इन माई एंग्विश आई मॉर्न्ड फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी. तो कहते अब दुख में जो है वो अपनी मदर को मैं यानी कि मदर के लिए शोक मना रही थी, लेकिन मुझे आराम देने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया. Not a soul reasoned quietly with me, as my own mother used to do. कोई भी मुझे कहते कि चुप करवाने नहीं आया जैसे मेरी माँ मुझे चुप करवाती थी. For now I was only one of many little animals driven by a herder. और अब मैं महसूस कर रही थी कि मैं एक जानवरों के उस झुंड की तरह हूँ जिसको जो है वो इधर से उधर लेकर जाया जा रहा है, जिसको हाँका जा रहा है. और इस तरह से उसके लंबे बाल जो है वो कट गए, अपने आप को वो बचा नहीं सकी. क्योंकि जो वाइट लोग थे वो ब्लैक्स को जो है वो थोड़ा करते ही थे, आपने 10th में भी पढ़ा ही है. तो यहाँ पर भी जो है जिस काला सा के साथ ऐसा ही हुआ. तो अगली स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वो भी ऐसे ही बहुत ही मार्मिक बोल सकते हैं, बहुत ही सैड सी स्टोरी है. ठीक है, तब तक टिल देन स्टे सेफ. Take care of yourself and your family and study hard. Bye-bye.